नमस्कार दोस्तों, मैं अनु गुप्ता। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन, आज के 8th डे के सेशन में, जिसमें आज फिर हम करेंगे रेकी हीलिंग। और उससे पहले हम करेंगे गाइडेड मेडिटेशन फॉर ग्राउंडिंग पर्पसेस, जिससे हमारी हम मेडिटेशन स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ी सी करते हैं, हमारी रिसीविंग और ज्यादा बढ़ जाए। ये जो ऑलमाइटी की एनर्जी है जो हम रेकी के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, इस समय डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं उस समय हमारा माइंड बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है, जिसके कारण हमारी रिसीविंग बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग इज, आप अपने माइंड से हर तरह का डाउट फियर निकाल दीजिए, जो कि आजकल लोग फियर में बहुत ज़्यादा है कि एक बहुत बड़ी महामारी है ये आज के समय की, तो इन सब तरह के डाउट्स को निकाल दीजिए, डर को निकाल दीजिए, जिससे आपकी रिसीविंग और ज़्यादा बढ़ जाए। बिकॉज डाउट एंड फियर आर टू ऑफ द मोस्ट नेगेटिव एनर्जीज। जितनी ज़्यादा आप नेगेटिव एनर्जीज को अपने साथ रखेंगे, तो एक पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने के लिए आपका स्पेस कम रह जाएगा, राइट। थर्ड थिंग इज, अपने हार्ट को ओपन कर दें। हार्ट को ओपन करने का मतलब ये है, आप अपने ट्रस्ट के साथ इसे रिसीव कीजिएगा, फेथ के साथ रिसीव कीजिएगा, पूरी पॉजिटिविटी के साथ ये हमारे ऊपर वर्क करेगा। भगवान हर जगह है, हर जगह, लेकिन हम जब उन पर ट्रस्ट करते हैं तो हम उनसे डायरेक्ट इंट्रैक्शन हमेशा कर पाते हैं, हमारे सवालों के जवाब हमेशा मिलते हैं अगर हम उनसे पूछते हैं विश्वास के साथ। बिल्कुल वही है, परमात्मा ने ही ये यूनिवर्स बनाया है, तो उनकी एनर्जी हर जगह है। परमात्मा ने ही हमें बनाया है, वो हमारे अंदर भी है। उसी एनर्जी को हमने फिर से इवोक करना है, उसको चैनलाइज करना है उनके साथ कनेक्शन जोड़ के। तो वही आज फिर हम करेंगे, आज की मेडिटेशन और आज की हीलिंग के द्वारा। तो शुरू करते हैं, अपने हार्ट्स को, अपने रिसीविंग को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए अपने हार्ट्स को ओपन कीजिएगा। आंखें कोमलता से बंद, आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पर बड़े रिलैक्स होके बैठ जाएं। अगर आप लेटे हुए हैं तो अपनी जगह पर आराम से लेट जाएं। एक लंबा गहरा श्वास भर जाइएगा, एक लंबा गहरा श्वास बाहर निकाल जाएं, लंबा गहरा श्वास भर जाएं, निकाल जाइएगा, लंबा गहरा श्वास भर जाएं और निकाल जाएं। हमारे श्वासों का सीधा सीधा संबंध हमारे मन के साथ होता है। जिस समय जिस क्षण हम अपने श्वासों पर नियंत्रण, अपना कंट्रोल बना लेते हैं, उसी क्षण हमारा मन भी अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है। और जब हमारा मन कंट्रोल में होता है तो हम सिलेक्शन कर पाते हैं, चॉइस हम अपनी चूज कर पाते हैं कि हमें नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाना है या पॉजिटिव चीज की तरफ जाना है, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की तरफ। तो हमने अब अपने श्वासों के जरिए अपने मन को रेगुलेट कर लिया है, कंट्रोल कर लिया, इसलिए लगातार श्वास प्रश्वास यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते रहे। Inhale, exhale, आंखें बंद है, inhale और exhale, inhale कर जाए, inhale, exhale, inhale and exhale। जिस भी जगह पर आप बैठे हुए हैं वहां पर अपने ध्यान को ले आए, उस कमरे के अंदर अपने कॉन्शियस को ले आए। सबसे पहले उस कमरे की चारों दीवारों को देख जाए, उनके रंग को देख जाए, कमरे की छत को देख जाए, कमरे की जमीन को भी देख जाए। हो सके जो लोग बैठे हुए हैं अपने पैरों को, अपने सोल्स को जमीन पर रख लेगा, उससे आपकी रिसीविंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। खाली जगह को देख जाए, उस कमरे की जो भी सामान रखा है उस पर अपनी कॉन्शियस को ले जाए। इस
इसी के साथ एक लंबा गहरा श्वास भर जाएं और 3 बार मन ही मन शांति बोल जाएं। शांति, शांति, शांति। अब ले आए अपने ध्यान को अपने शरीर पर। एक बार अपने मन की दृष्टि से अपने शरीर को देख जाएं, देख जाएं अपने सिर वाला भाग। शांति बोल जाए, जिस भी अंग को मैं नाम लूं उस पर अपनी कॉन्शियस को लेके जाए और एक बार मन ही मन वहां पर शांति बोल जाइएगा। देख जाए अपना सिर, सिर के बाल, माथा, दोनों आईब्रोज, दोनों आंखें, नाक, नाक के दोनों छेद नॉस्ट्रिल्स, दोनों गाल, दोनों कान, ठुड्डी, पूरा जबड़ा, गर्दन, गर्दन की मांसपेशियां, दोनों कंधे शोल्डर्स, चेस्ट एरिया, बोथ लंग्स, लंग्स के पीछे आपका लिवर, लिवर के आगे आपका हार्ट, नीचे उतरे डायफ्राम, एक झिल्ली सी होती है, राइट साइड पे आपका स्टमक, नीचे पैनक्रियास, लेफ्ट साइड पे गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, एपिग्लॉटिस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों तरफ किडनी, फैलोपियन ट्यूब, बोथ ओवरीज यानी जेनिटल ऑर्गन्स, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, रेक्टम एरिया, यूरिनल एरिया। शांति बोलते जाए हर अंग के साथ। पीछे आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, सभी वर्टिब्रास यानी जो सेक्शंस होते हैं, कमर का ऊपरी भाग, मिडल एरिया, लोएस्ट पार्ट, बटक्स, अप टू थाई एरिया, जांघों तक के भाग को देख जाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एरिया, दोनों पांव के तलवे, पंजे, टोस, आठों उंगलियां, बिग टोस, अंगूठे, पूरा का पूरा शरीर सर से लेके पांव तक शांत चुका है ऐसा महसूस कर। अब अपने शरीर को पांव से लेकर सिर तक एक बार महसूस मात्र कीजिएगा कि आप महसूस कर जाए अपने पूरे शरीर को। इसी के साथ हम रेकी हीलिंग स्टार्ट करेंगे। इसी तरह इसी शांति में बने रहे, शांति में बने रहे। गायत्री जाप सुनते रहिएगा और जो लोग नहीं सुनना चाहते, जो लोग नहीं सुनना चाहते काइंडली आप म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। 25 to 30 मिनट्स की रेकी हीलिंग होगी। ग्रहण कीजिए पूरे फेथ के साथ।
Oh.
कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं, उन वाइब्रेशंस को फील कर जाइएगा। कुछ राउंड एंड राउंड आपको ऐसा भी फील हो सकता है, कुछ टिंगलिंग सी, टिकलिंग सी, कुछ नीचे आपको जैसे कुछ चुभ रहा है, कुछ भी अनुभव जो आपको वहाँ पर हो रहा है उसे महसूस कर जाओ। महसूस कीजिए मदर अर्थ अपनी सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको अभी भी लगातार प्रदान यानी दे जा रही है। आपका शरीर उससे ओतप्रोत हो रहा है, आपका शरीर पूरा का पूरा शरीर मदर अर्थ की पॉजिटिव ऊर्जा से, एनर्जी से भर रहा है, ऐसा महसूस कर जाए। शरीर भर चुका है, हर श्वास भी मदर अर्थ की एनर्जी से भर रहा है, श्वास भी भर चुका है, इसलिए आसपास का वातावरण भी कम से कम 3 से 5 फीट की दूरी तक महसूस कर जाए पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है, जो कि मदर अर्थ हमें इस समय प्रदान कर रही है। एक सर्कल अपने चारों ओर बना जाए, उस सर्कल में अपने आप को बैठा हुआ महसूस कर जाए। ये प्रोटेक्शन लेयर, प्रोटेक्शन बबल में आप इस समय बैठे हुए हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं आप। किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आप विश्वास कीजिए आपको छू नहीं पाएगी। नेक्स्ट 24 आवर्स तक जो लोग इस समय डायरेक्ट ले रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी नेक्स्ट 24 आवर्स तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि मदर अर्थ की और साथ ही साथ इससे पहले आपने रेकी भी ग्रहण की है, यूनिवर्सल पॉजिटिव द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी ऑफ यूनिवर्स आपने ग्रहण की, आपको कोई भी टच नहीं कर पाएगा। इसी के साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन ऑफ रिसीविंग द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ इज ग्रेटफुलनेस। सो जस्ट बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्सल प्योरेस्ट सेफेस्ट एनर्जी मदर अर्थ एनर्जी, मदर अर्थ एज वेल, योर रेकी ग्रैंड मास्टर फ्रॉम होम यू आर रिसीविंग राइट नाउ डिस्टेंस रेकी हीलिंग, योर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज उन्होंने ही आपको इतना स्पेयर टाइम दिया ना, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा इस समय हम सभी आपस में कनेक्ट हो पाए उसे भी धन्यवाद कर जाए। इलेक्ट्रिसिटी अपने घर और जिसको थैंक्स कहना चाहे सबको कर जाए, बिकॉज हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पूरी प्रकृति का, पूरे विश्व का, एक एक जन का योगदान होता है। सबको थैंक यू बोल जाए। जो हम देते हैं वही हम रिसीव करते हैं, तो सबको ब्लेसिंग्स भी दे जाए। इस समय आप भी प्योर हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, तो पूरे विश्व को आप सब भी ब्लेसिंग्स दे जाए कि सभी पूरी तरह से सुरक्षित रहें। जिन लोगों पर कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ा है वो फिर से स्वस्थ हो जाए, परमात्मा की कृपा सब पर हो। और इस मुहिम में जो हमने शुरू की है फेसबुक पेज पर लाइव और यूट्यूब चैनल पर, इसको प्लीज़ मेरे आप सब से पूरे दिल से